दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोजर, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों हम सभी का फोन कभी भी हो सकता है ब्लास्ट, जी हां दोस्तों, और उसमें हम जो है बहुत ही ज्यादा चोटिल हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा घायल भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने फोन को ब्लास्ट होने से बचाना, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जिसकी वजह से हमारा फोन ब्लास्ट होता है। अगर आप वो 5 बातें ध्यान में रखेंगे तो आपका फोन कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा और आप आसानी से हमेशा फोन जो है यूज कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हमारा फोन एक बार पानी में गिर जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, सुखा के यूज करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी सर्विस सेंटर में दिखाए। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार पानी में जो है फोन चला जाता है तो थोड़ा बहुत पानी जो है फोन के अंदर रह जाता है, उससे क्या होता है हमारा फोन कभी भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है, उसके बाद ब्लास्ट हो सकती है। तो दोस्तों जब भी आपका फोन पानी में गिरे तो एक बार जरूर सर्विस सेंटर में दिखा दीजिए, उसके बाद फोन आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात, जैसा कि हम सभी को पता ही होगा कि फोन नहीं फटता, फोन की बैटरी फटती है, जी हाँ दोस्तों, फोन की बैटरी ब्लास्ट होती है। तो हम जब भी अपना फोन चार्ज में लगाएं तो उस दौरान अगर आप अपने फोन को यूज कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो फोन चार्जिंग में लगा के, या फिर फोन चार्जिंग में लगा के गेम खेल रहे हो, या फिर फोन चार्जिंग में लगा के आप ब्राउजिंग कर रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उस दौरान आपका फोन जो है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और आपकी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। इससे आपको बहुत ही ज्यादा चोट लग सकती है, बहुत ही ज्यादा घायल हो सकते हैं आप। तो चार्जिंग के दौरान आप फोन कभी भी यूज ना कीजिए। दोस्तों तीसरी बात, मोबाइल फ़ोन के बैटरी का फूलना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार होता है लोगों के मोबाइल फ़ोन की बैटरी फूलने लगती है और लोग क्या करते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये वैसे ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इसे वैसे ही यूज करते रहते हैं। लेकिन ये उनकी जो है बहुत ही बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर फ़ोन की बैटरी फूल रही है तो समझ लीजिए उसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप उससे पहले ही ले जाके सर्विस सेंटर में दिखा दीजिए या फिर अपने फ़ोन की बैटरी चेंज करवा लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही सेफ रहेगा। अगर आप वैसे यूज करते रहेंगे तो आपका फ़ोन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और आप जो है 500-600 के चक्कर में आपको ज़्यादा भरना पड़ जाएगा। और दोस्तों बहुत लोग होते हैं अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज में लगा के गर्म जगह रख देते हैं, जैसे वो अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज में लगा के अपने टीवी पे रख दिए जो पहले से ही चालू है और गर्म है, या फिर सेटअप बॉक्स पे रख दिए, या फिर कोई ऐसे जगह पे रख दिए हैं जहाँ पे पहले से ही गर्म है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका मोबाइल जब चार्ज होता है तो भी वो थोड़ा हीट होता है आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी, और जहाँ पे आपने रखा है वो भी गर्म है, तो यार गर्म गर्म और ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं दोनों। तो इसमें क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो जब आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज में लगाएं तो किसी गर्म जगह पर ना रखें। दोस्तों आज का हमारा लास्ट और मेन पॉइंट, फ़ोन का ओवरहीट होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ़ोन 3-4 घंटे कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो आपका फ़ोन ओवरहीट होने लगता है। अगर आपका फ़ोन का टेम्परेचर 30-40 डिग्री तक जाता है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा गया तो समझ लीजिए आपका फ़ोन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो आप अपने फ़ोन को यूज ना करें, उसे थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑफ कर दें ताकि वो जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। अगर आपका फ़ोन इससे ज़्यादा ओवरहीट होगा तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए चैनल पे डेली एक नए नए वीडियो आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।